हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो हमारा पार्ट बचा हुआ था उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमारे पास इसके अंदर बचा हुआ है पार्लिनर स्टेज बची हुई है और दूसरा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस की थी हमने जोस्पोर्स के थ्रू, जब कैसी होती है फेवरेबल कंडीशन होती है उस दौरान ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द एप्लाइनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स और अकाइनेट्स के थ्रू। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों बचे हुए पार्ट्स। एक हमारे पास क्या है पाल्मेला स्टेज, जो स्पेसिफिक स्टेज है, ठीक है, पाल्मेला स्टेज। अब ये पाल्मेला स्टेज क्या होती है स्टूडेंट्स और कब क्रिएट होती है? अगर मैं बात करूं आपसे, ये कंडीशन क्रिएट होती है ड्यूरिंग, जब कैसी होती है, ना ही ज्यादा कैसी होती है फेवरेबल कंडीशन होती है, ना ही ज्यादा कैसी होती है अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो इस टाइप कंडीशन क्रिएट होती है जब जनरली क्या होता है वाटर की कमी हो जाती है या फिर क्या होता है सॉल्ट की एक्सेस हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर होती है इस टाइप की कंडीशन क्या होती है क्रिएट हो जाती है। तो उस दौरान में क्या होता है अप्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, जूस्पोर्स या अकेनेट्स की फॉर्म में रिप्रोड्यूस ना करके क्या करता है अपने आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है किसकी फॉर्म में, पाल्मेला, उसको पाल्मेलास्पोर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होता है क्या इसके अंदर, जैसे हमारे पास क्या है पेरेंटल बॉडी है, ठीक है, तो पेरेंटल बॉडी क्या होती है जब जनरली रिप्रोड्यूस करती है तो आपको याद होगा कि जनरली क्या करती है लूज कर लेती है क्या फ्लैजिला और मेनली जनरली क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम। ठीक है, तो ये जनरली क्या होते हैं उसके बाद नॉन मोटाइल स्टेरिकल बॉडी के अंदर क्या होते हैं ये तरीके से क्या होते हैं ये रह जाते हैं फिर। ठीक है, अब अगर यहां पर अनफेवरेबल कंडीशन होती तो या तो ये क्या करते अप्लेनोस्पोर्स की फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते या फिर कैसे करते ये क्या बनाते ये हिप्नोस्पोर्स बनाते या फिर अकाइनेट्स बनाते, और अगर फेवरेबल कंडीशन होती तो ये क्या बनाते जूस्पोर्स बनाते। बट यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है ये प्रोटोप्लास्ट जो होता है क्या करता है डिफरेंट मैनी डॉटर क्या बनाएगा प्रोटोप्लास्ट सेगमेंट्स बनाता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोटोप्लास्टिक क्या बनाता है सेगमेंट्स बनाता है। ओके, इस टाइप से और अंदर बस क्या होते हैं स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके साथ साथ क्या करता है ये अपने सराउंडिंग्स, ये डॉटर न्यूक्लियस जो होती है डॉटर जो ये प्रोटोप्लास्ट सेगमेंट्स जो है ये अपने सराउंडिंग में क्या करती हैं एक थिक म्यूसिलेज कवरिंग जो होती है वो क्या कर लेती है डेवलप कर लेती है। ठीक है, इसके वजह से क्या होते हैं स्लाइमी सिक्रीशन की तरह क्या होते हैं अपीयर होते हैं। तो ये क्या करते हैं म्यूसिलेज की कवरिंग जो होती है सराउंडिंग में सिक्रीट कर लेते हैं जो इनको प्रिवेंशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं डॉटर प्रोटोप्लास्ट सेगमेंट्स या फिर क्या बोलते हैं पाल्मेलोस्पोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्टेज होती है स्टेज क्या कहलाती है पाल्मेला स्टेज कहलाती है। तो पाल्मेला स्टेज बताई दी मैंने आपको जल्दी कैसे होती है ना ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन या फिर कैसी अनफेवरेबल कंडीशन होती है ज्यादा, उस कंडीशन में क्या होती है ये क्रिएट होती है। उस टाइम में क्या होता है म्यूसिलेज कवरिंग जो होती है इनको प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और जैसे ही क्या होगा फिर फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी तो ये क्या होती है कवरिंग्स जो होती है डिजोल्व हो जाती हैं और ये स्पोर जो होते हैं फ्लैजिला क्रिएट करेंगे एंड क्या बनाएंगे बिकम जूस स्पोर्स के फॉर्म में बनेंगे ये एंड में क्या करेंगे लीड करेंगे एक न्यू लाइफ की तरफ। ठीक है, एक न्यू लाइफ जो होगी वो जनरेट करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से क्या करती है पाल्मेला स्टेज के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम उसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं किस तरीके से लाइफ साइकिल जो होती है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलती है। और स्टूडेंट जनरली अगर मैं बात करूं आपको तो इनमें से कोई आपको डिटेल में नहीं पूछने वाले सारी चीजें। ठीक है, तो आप जनरली क्या रखें आप समझें और उन चीजों के नाम याद रखें तो ये आपको एमसीक्यू वाइज जो होते हैं उनके अंदर पूछ के जाते हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ उसको थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ समझाने के लिए। अदरवाइज आप इसको उसके नाम के बेस पर भी याद रखना चाहें तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप
थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, तो इसकी वजह से क्या होता है थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाता है, ध्यान लॉन्ग टर्म तक ले जाता है, इसे थोड़ा सा समझाया जा रहा है। अदरवाइज आप इसके नाम भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप समझा दिया है उसको समझो, और हो सकता है कि आपकी बुक में ये चीज मिले या ना मिले, हो सकता है मिले, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है इसको समझना है, इसलिए बोला जाता है कि डेली वीडियो देखे आप। ओके, तो देख लेते हैं सेक्सुअल स्टेज के अंदर। तो सेक्सुअल स्टेज की अगर बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे क्या है, हमारे पास ये हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया, एंड दिस इज द पेरेंट बॉडी। अब ये पेरेंट बॉडी अंडरगोज जाएगी किसके इसके अंदर, पहले सबसे पहले डिकॉक्शन के अंदर जाएंगे, तो हम पता है हमारे पास क्या करेगा, ये फ्लैजुला एंड फ्लैजुला अपने लूज कर देगा, फ्लैजुला क्या कर देगा हमारे पास, लूज कर देगा, और देन बिकम्स कैसा बन जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स नॉन मोटाइल, ठीक है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर फॉर्म हो जाएगा। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स ये अंडरगोज जाएगा किसके, माइटोटिक डिविजन के अंडरगोज जाएगा, ठीक है, और माइटोटिक डिवीजन के जब अंडरगोज जाएंगे तो उसके अंदर ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास, माइटोटिक डिवीजन के अंडरगोज जाएंगे एंड हमारे पास क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है, 2, 2 to 4, 4 to 8, एंड देन इसकी वॉल्स जो होगी बिकम्स क्या होंगी, रप्चर होंगी, और रप्चर होने के बाद ये स्पोर्स जो है जनरली क्या प्रोड्यूस करेंगे, अगर यहाँ पे बात करें हमारे पास, तो इसके अंदर फ्लैजुलास डेवलप होंगे, और यहाँ पर ये जो सेल क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, इन स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं, ये क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये गैमेट्स जो होते हैं ये कैसे हैं, हैप्लोइड है, ये माइटोटिक नहीं है क्योंकि पेरेंट बॉडी कैसे चली आ रही है, हैप्लोइड बॉडी ही प्लांट, सॉरी क्लेमाइडोमोनास, और इसके अंदर क्या हो रही है, डिवीजन हुई, डिवीजन के दौरान क्या है, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या बन रहे हैं, हैप्लोइड बन रहे हैं, और ये गैमेट जो बने हैं यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास के अंदर, स्टूडेंट याद रखना, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, इसमें दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, एक बनते हैं जिम्नोगैमेट्स, एक बनते हैं कैलिप्टोगैमेट। तो जिम्नोगैमेट्स जो होते हैं, जिम्नो के नाम से ही पता लग रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, तो गैमेट्स हमारे पास हैं, एक है जिम्नोगैमेट और दूसरे हमारे पास है कैलिप्टोगैमेट। तो जिम्नोगैमेट्स कैसे होते हैं, ये नेक होते हैं, इनके सराउंडिंग में क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और कैलिप्टोगैमेट जो होते हैं कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं, इनके सराउंडिंग में क्या होती है, सेल वॉल बनती है। तो होता क्या है कि हैप्लोइड जो प्लांट बॉडी है क्लेमाइडोमोनास की, ठीक है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, जब न्यूक्लियस के अंडरगोज जाते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, फ्लैजुला लूज कर देते हैं अपना, तो बिकम्स क्या होता है, नॉन मोटाइल स्फेरिकल बॉडी बन जाते हैं। देन उसके अंदर क्या हो रही है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होती है इसके अंदर, तो माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्या होते हैं, ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिफरेंट क्या होता है, डॉटर सेगमेंट्स क्रिएट करता है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल जो होती है इनकी रप्चर होती है, रप्चर की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये क्या कहता है, गैमेट्स कहलाते हैं, लेकिन ये गैमेट्स जो होते हैं ये जूस्पोर्स नहीं होते, ये ध्यान रखना, ये जूस्पोर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज के अंदर, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। और ये गैमेट्स जो होते हैं यहाँ पर दो टाइप के बनते हैं, तो एक गैमेट्स हम किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोगैमेट्स की, या दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, कैलिप्टोगैमेट्स। तो जिम्नोगैमेट्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, उनके सराउंडिंग में सेल वॉल नहीं होती, और कैलिप्टोगैमेट्स जो होते हैं उनके सराउंडिंग में सेल वॉल होती है, दैट मीन्स वो कवर्ड रहते हैं, जैकेटेड रहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर क्या होता है, आपको याद होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की थी, तो कैसी होती है, ये आइसोगैमस टाइप की हो सकती है, एनआइसोगैमस टाइप की हो सकती है, और ओगैमस टाइप की हो सकती है। तो आइसोगैमस के अंदर जल्दी क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं इसके अंदर जो आपस में फ्यूज करती है बॉडी, और अनआइसोगैमस में क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं, डिफरेंट शेप में स्ट्रक्चर रहता है गैमेट्स का। और ओगैमस के अंदर क्या होता है, जो मेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल जो होती है नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आइसोगैमस की, आइसोगैमस की अगर यहां पर मैं बात करूं, इसके बाद यहां पर क्या होता है, ये जो हमारे पास गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो फ्यूज कैसे होता है इनका, तो अगर यहां पे मैं आपको दो अलग तरह से दिखा दूं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया इसके फ्लैजुला हो गए, और ये क्या हो गया इसका फ्लैजुला हो गया। तो दोनों क्या होते हैं, एंटीरियर एंड से,
जैसे ये इधर क्या है एंटी रेड है, तो इनके एपिकल रीजन से क्या करते हैं आपस में फ्यूज करते हैं। और जनरली कुछ केसेस के अंदर क्या होता है ये लेटरली भी क्या करते हैं फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं ये एपिकल रीजन से क्या कर रहे हैं फ्यूज करें। तो फ्यूजन के दौरान क्या होता है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास क्या होती है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है आपको यहाँ पे फोर फ्लैजला जो होते हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्री फ्लैजलेट्स जाइगोट, ठीक है। अब कैसा हो गया ये डिप्लॉयड हो गया, बिकॉज ये भी एप्लॉयड है ये भी एप्लॉयड है, ठीक है। दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद आपके पास क्या है ये फोर फ्लैजला होते हैं इसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्री फ्लैजलेट जाइगोट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो ये अपना क्वाड्री फ्लैजलेट जाइगोट जो है अपने फ्लैजला को लूज कर देता है एंड देन बिकम्स क्या होती है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या होता है फॉर्म होता है इस तरीके से, ठीक है। इसके हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जाइगोस्पोर, इसे हम क्या बोलते हैं जाइगोस्पोर बोलते हैं। अब ये जाइगोस्पोर जो होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पर जो होती है यहाँ पर क्या होती है मियोटिक डिवीजन होती है, क्या होती है यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होती है। और मियोटिक डिवीजन के दौरान क्या बनेंगे हमारे पास, यहाँ देखिए अब इसके अंदर क्या होता है अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मियोटिक डिवीजन के दौरान क्या होता है हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा इसकी वॉल जो होगी वो क्या होती है रप्चर होती है, और रप्चर के दौरान क्या होगा फ्लैजलास क्रिएट होंगे, और ये फ्लैजलास जो होंगे उसके बाद कैसे होते हैं हैप्लोइड होते हैं एंड देन मैचुरेशन के अंडरगोज जाएंगे, तो उसके बाद क्या है पेरेंट बॉडी को फॉर्म करेंगे लाइक दिस, और ये कैसे होंगे हैप्लोइड होंगे। तो इसकी वजह से जो ये लाइफ साइकिल है वो बिकम्स कैसी हो जाती है हैप्लोन्टिक, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आपको पहले ही पढ़ाया आपने कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के दौरान क्या होता है कि ज्यादातर फेज जो होता है कैसा होता है हैप्लोइड स्टेज के अंदर रहता है। तो आपको दिख रहा है कि जनरली कैसे होता है हैप्लोइड स्टेज के अंदर ही रहता है, हैप्लोइड स्टेज के अंदर 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 है, यहाँ पर डिप्लॉयड और ये भी कैसा होता है डिप्लॉयड होता है। यहाँ तक हमारे पास क्या है दो स्टेज जो हमारे पास डिप्लॉयड स्टेज के अंदर होती है, और इस पूरा फेज जो आपका कैसा होता है हैप्लोन्टिक स्टेज के अंदर होता है। इसकी वजह से लाइफ साइकिल कैसी होती है अल्टीमेशन ऑफ लाइफ साइकिल कैसी होती है इसकी हैप्लोन्टिक टाइप की होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है देखने को मिलती है कि इसके अंदर ट्रेमाइडोमोनास के अंदर, तो पेरेंट बॉडी होती है पेरेंट बॉडी करती है लूज करती है क्या फ्लैजला एंड अपने कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रोड्स, फ्लैजला यूज करने के बाद क्या होती है बिकम्स नॉन मोटाइल स्फेरिकल बॉडी बन जाती है, जिसके अंदर क्या होती है माइटोटिक डिवीजन होती है, बायोडिविजन के दौरान क्या होते हैं गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं आपको बताया दो टाइप के बनते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं वो जीनोटाइप के गैमेट्स हो सकते हैं या फिर कैरेक्टर टाइप के। जीनोटाइप के कैसे होते हैं नेक रहते हैं जिनके सराउंडिंग में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और कैरेक्टर गैमेट्स कैसे होते हैं जैकेटेड रहते हैं कवर्ड रहते हैं। अब ये गैमेट्स जो होते हैं अगर सेम स्ट्रक्चर है तो क्या कहलाएंगे आइसोगैमेट्स कहलाएंगे, आइसोगैमेट कहलाएंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनके अंदर तो कैसे कहलाएंगे एनआइसोगैमेट्स कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की है आइसोगैमेट्स की, तो दो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं आपस में एपिकल एंटीरियर एंड से तरह से क्या करते हैं फ्यूज करते हैं, फ्यूज जब करेंगे तो क्या बनेगा आपको एक स्टेज बनेगी उसको क्या बोलेंगे क्वाड्री फ्लैजलेट जाइगोट बनेगी, जिसमें आपको चार फ्लैजला दिखाई देगी। अब ये फ्लैजला जो होंगे लूज कर जाएंगे, और लूज करने के बाद क्या होगा एक स्फेरिकल बॉडी बनेगी, इसे हम क्या बोलेंगे जाइगोस्पोर्स बोलेंगे। जाइगोस्पोर्स और ये जाइगोट दोनों कैसे होते हैं डिप्लॉयड स्टेज के अंदर होते हैं। फिर इसके बाद जाइगोस्पोर्स होते हैं देन अंडरगोज आते हैं इसके मियोसिस के, और मियोसिस के अंडरगोज जाएंगे तो क्या करेंगे ये आपके न्यू हैप्लोइड स्पोर्स बनाएंगे, और ये क्या करेंगे नए इंडिविजुअल की क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जो पेरेंट बॉडी कैसी होगी हैप्लोइड टाइप की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या कहलाएगी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स अभी के लिए बड़ा हमारे पास हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए, उसके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ ली, तो हमारे पास असेक्सुअल भी हो गई सेक्सुअल भी हो गई, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट चीज के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।